इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल से लगभग 5,000 किलोमीटर कम है। इटली में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बनाया गया है। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। पहले विश्व युद्ध में इटली के 6,00,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10,00,000 से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस में स्कर्ट पहन रखी थी। ओह माय गॉड। इटली के मिलान शहर में ये कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। ये नियम शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया है, पर भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से एक कदम आगे 7वें स्थान पर है, पर ज़्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज़्यादातर लोगों का जीवन स्तर कुछ खास अच्छा नहीं है। इटली इकलौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इटली एक विकसित देश है, फिर भी इसकी एक तिहाई आबादी ने कभी इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया। आधुनिक इटली 1861 में ही एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही यह एक लोकतांत्रिक देश बना। क्या आपको पता है, इटली भारत की तरह ही एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में आल्पस पर्वत है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार समेत कुल 35 विश्व धरोहर हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। ये 57 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो अल्पस पर्वतों के नीचे से होकर जाता है। इसको बनाने में 17 साल से भी ज़्यादा समय लग गया था। इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई देशों में भेजी जाती है। इटली के वेनिस शहर में यह कानून है कि वहाँ की हर गोंडोला नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडोला एक प्रकार की हल्की नाव होती है। सो कैसी लगी ये वीडियो, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और भी ऐसे देशों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।